आई एम रेडी। आपको अपना नाम बताना। नमस्कार, मेरा नाम मेघना, मेघना पंड्या है। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, अपनी पत्नी है। ये बात तो महेंद्र के अपनों को भी रास नहीं आई थी। महेंद्र का ब्याह क्या हुआ? मानो आपकी नजर में आपका अपना सही छीन लिया गया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं है। महेंद्र अपने दोस्तों के बीच में मुस्कुराता नहीं है। महेंद्र अब वो पहले वाला महेंद्र नहीं रहा। महेंद्र ने पूरी कोशिश की कि वो वही सपना रहे, और उसके लिए वो घर में दिन रात छटपटाता रहता, दीवारों पर सर पटकता, बच्चों को मारता, पत्नी के घुटने तोड़ता। दोस्तों को तो बस महेंद्र की जरूरत थी अपनी फुर्सत का वक्त निकालने के लिए। महेंद्र के बगैर तो कोई पार्टी रास नहीं आती। महेंद्र के बगैर तो पिकनिक में मजा ही नहीं आता। दोस्तों के लिए जो फुर्सत का वसीला था, वो महेंद्र के लिए एक जरूरी काम था। वही जिंदगी में पहला महत्व था, और उसका ही नहीं, उसके घर के हर एक लोग का भी वही मतलब होना चाहिए। तुम फला जगह जाती क्यों नहीं? तुम फला से ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने आप को पढ़ी लिखी कहती हो? तुम्हें तो बात करने की तमीज तक नहीं है। तुम क्यों मेरा पोजीशन सबके सामने बिगाड़ती रहती हो? वो महेंद्र जो दोस्तों के सामने चुपचाप बैठा मुस्कुराता रहता है, वो घर में आकर दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे खा जाए, कब किसे फाड़ डाले। कभी ताव में आकर वो अपनी कमीज को खुद फाड़ देता है, तो फिर सभी सावित्री के छाती पे बैठ के उसका गला दबा देता है, कहता है बोल चलेगी कि नहीं, जहां मैं चाहता हूँ, मालिकी का कहना नहीं जो मैं कहता हूँ। सावित्री वो सब नहीं करती, वो सब नहीं करती वो जो कहता है, क्योंकि नफरत है उसे महेंद्र से, उसके ऐसे होने से। वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसे प्यार कर सके, उसे समझ सके। उसने कई बार कोशिश की कि महेंद्र को बदल सके, या फिर दिल चीख चीख कर यही कहता कि तोड़ डालो इस रिश्ते को। ऐसा नहीं, महेंद्र ने कोशिश भी की कि वो अपने आप को बदल सके, लेकिन फिर उसके दोस्तों के बीच में गम मनाया जाता, कहा जाता कि सावित्री महेंद्र के नाप में नकेल डालकर उसे अपने तरीके से चलाना चाहती है। वो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसका इस्तेमाल करना चाहती है, जैसे जिसे बिना हार्ड मास का ये है बेचारा महेंद्र। भैया, ओ तो आप यहाँ बैठे और मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही। भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ये बात मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है, मुझे आपके इसमें राय चाहिए। भैया, आप तो जानते हैं कि मम्मी पापा ने मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपना सब कुछ सोच सकूँ। लेकिन ये क्या भैया, आज मेरी जिंदगी का एक अहम फैसला आया, तो वो चाहते हैं कि मैं उस लड़की से शादी करूं जिसे वो पसंद करते हैं, और जब मैंने उनसे कहा कि मैं उस लड़की से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूं, तो नाराज़ हो गए। कहने लगे कि हमारे यहाँ लव मैरिज कुछ नहीं चलता, यहाँ तो बस अरेंज मैरिज चलता है। सो ओल्ड फैशन भैया। अब आकाश को तो मैं बचपन से जानती हूँ, उसके साथ मैं रही हूँ, एक दूसरे को जान पहचान है। मेरा मतलब आकाश भैया, आकाश वही जिसके साथ मैं बचपन में खेला करती थी,
अब तो वो काफी बड़ा हो चुका है, आईएएस ऑफिसर बन चुका है, और वो मुझसे मेरा मतलब है कि मैं उससे बात कर सकती हूँ और वो मुझसे बात कर सकती है। मैं जानती हूँ कि आकाश के घर का रीति रिवाज बिल्कुल अलग है, हमारा रहन सहन भी बिल्कुल अलग है, लेकिन आप फिक्र मत करिए भैया, मैं सब कुछ संभालूंगी कि जहाँ प्यार मिलता है ना वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन ये मम्मी डैडी है ना, ये कुछ मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि हम दोनों शादी के बाद एक दूसरे के साथ अच्छे से रह ही नहीं सकते। अब वो कैसे कह सकते हैं? अब ये बात भी खूब है, एक अनजान आदमी के साथ अगर मैं शादी करूंगी तो मैं खुश रह सकती हूँ, लेकिन एक जान पहचान आदमी के साथ मैं खुश नहीं रह सकती। भैया मैं बिल्कुल नहीं मानती, अब मम्मी पापा कुछ भी कहें, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आकाश के साथ ही शादी करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। I know I'm sounding too harsh, लेकिन भैया मुझे बहुत प्यार करती है और आकाश भी मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे शादी करना चाहता है और मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपसे बात किया, मैं आपका का बोझ हल्का हो गया। आप मुझे आशीर्वाद देने आएंगे? जल्दी नहीं सोचिए। ओह माय गॉड, भैया मैं जल्दी हूँ, आजकल पापा मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही फिक्र करते हैं। जल्दी मोनोलॉग आपके पास है? कुछ है आपके पास, आपका कुछ डायलॉग्स? एक्सेंस नहीं बोला था, तो कुछ सोच के भी नहीं आई। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम इनको दे देते हैं। नहीं मैंने बोला था ना, अभी बोला नीचे। मैंने स्क्रीन टेस्ट बोला था ना। हाँ वो तो, और तुमको बोला था डायलॉग देना, इधर से डायलॉग देना, ये बात बोला था। हाँ, ये नहीं बोला था। अच्छा अच्छा कुछ भी करो मैं नहीं, आप अभी जाइए। हाँ। 15 मिनट में कुछ लाइन चोस के आइए, दो पीस, तब लग मैं दूसरा वाला देता, ठीक है? ओके तो मैं अभी कर देते कुछ दिमाग में। ये यू आर रेडी फॉर इट? हाँ या तो तुम चिंता करो ना, किसी को इट्स ओके, यू कैन कम बैक। तुम चिंता करो ना, ओके गेट टू प्रैक्टिस करो ना ये घर। हाँ दूसरा वाला अभी पता, आप मुझे पूछिएगा कि पहले से तैयार किया हो और उसमें आप पहले अपना नाम बोलेंगी और फिर आप शुरू हो जाएंगे, ठीक है? हाँ जी अगेन रिपीट, आप ये बताएंगे कब आप शुरू? रेडी? हाँ यस रेडी। माय नेम इज दीपा चापलकर। क्या कहा आपने? प्यार नहीं,
बारह साल साथ में बिताया और आप कह रहे हैं प्यार नहीं है। अच्छा आपका कुछ बाहर फिर ऐसे क्यों मुझे क्या करूँ क्या
जानती हो राहुल, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है और फिर भी तुम रिलेशन तोड़ना चाहते हो। राहुल प्लीज, आई लव यू राहुल, प्लीज प्लीज राहुल, ऐसा मत करो प्लीज। अच्छा गांव के बारे में, गांव आप जानती हैं किसे कहते हैं? हाँ। अच्छा, क्योंकि जैसे आपको कोई गांव में काम करने के लिए है, कोई देहाती लड़की है, तो आप करी हुई कोई परहेज तो नहीं है गांव के लाइफ से, गंदगी और कपड़े भी ऐसे पहनने पड़ सकते हैं आपको, हो सकता है दूसरे के कपड़े पहनने पड़े बिना धुले हों। माता पिता नहीं, इधर तुम अकेला जाओ, सिलेक्ट हुआ तो अकेला ही जाओ इधर थोड़ा। अच्छा। वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर रिहर्सल के लिए हम बुलाए हैं तो टाइम निकाल सकते हैं आप, एक से आज के 30 तक जो, और 1 से 15 के बीच में आपको डेट दिए तो खाली है। हाँ। तब कोई ऐसा तो नहीं आपने किसी और को डेट्स दी हो? नहीं अभी तक। ऐसा कोई आर्गुमेंट हमसे आप करें कि हम नहीं आपने किसी और को? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं। और फोटोग्राफ्स अभी है नहीं, एक फोटोग्राफ ना दिखा सकते? मैंने देख लिया, देखा फोटोग्राफ है नहीं, और एक दूसरा है ठीक है, इधर तो वहाँ भी है फोटोग्राफ तुम्हारे। अच्छा नहीं, जरूरी नहीं है ना? आपके नाखून बड़े हैं, आई वे हम आपको लिए तो आपको इस नाखून को कटाने पड़ेंगे। कट लो मुझे तो रोल के लिए तो जैसे रोल उसके हिसाब से ऐसा डेडिकेशन है आपके अंदर क्या मुझे है ना रोल के हिसाब से तो वो आई वांट टू बिकम एन एक्टर क्यों आई वांट टू बिकम एक्टर। अच्छा क्यों बनना चाहते हो? मतलब एक होता है आप बताइए मुझे बने ऐसा। हाँ मुझे बस बचपन से मुझे शौक है एक्ट्रेस बनने का, और जब भी मैं फिल्म देखी थी या मुझे ऐसा लगता था मैं भी ऐसे करूँ ऐसे कर, बस मुझे भी बस अच्छे एक्टर कोई अवार्ड पाने की इच्छा है एक्टर का एक्ट्रेस का वो सब कहीं होता है। आपको क्या हाइट ऑफ अचीवमेंट्स क्या लगता है आपको एक्टर?
सपना तो है बहुत बड़ी बनने का, मिस बहुत अच्छी एक्ट्रेस जो सब लोग जाने पहचाने। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिटेशन आपका चेकिंग और साथ साथ पंक्चुअल और जैसे रोल के हिसाब से जो मुझे रोल जैसा है मिस खुद को भी ऐसे ढालना पड़ेगा कि अगर मैं गांव की लड़की हो तो ये भी मेरा वैसे ही होगा आपका सारा जो स्ट्रक्चर है। हाँ फिर मैं खुद को उसमें देखना पड़ेगा मैं वही हूँ और अगर मैं मॉडर्न लड़की कर रही हूँ तो पूरा ढूंढना पड़ेगा। हाँ ढूंढना पड़ेगा। ओम पुरी आपने लिखा है आपका इन्फ्लुएंस उनका एक्टिंग में क्या डायलॉग डिलीवरी इमोशंस डांस और एवरीथिंग जब रहता है तो मींस गुड एक्टर्स बन सकते हैं। डांस भी उनका सही है डायलॉग डिलीवरी भी सही है और मींस जैसे लगता है मींस हम लोग जैसे गुड एक्टर्स बोलते हैं तो उसमें हर गुण है। आपने उनकी उमराव जान देखी है? हाँ देखी अमिताभ बच्चन। Ompuri is a good actor. He's a जैसे हम बोलते हैं कि गांव का तो गांव का ही लगते हैं मींस टिपिकल कैरेक्टर जैसे उनको ही कर सकते हैं और किया भी। ये एक्सपीरियंस इन द फिल्म प्यार किया होता है उसमें मैंने हीरोइन किया लीड रोल। हाँ या सपोर्टिंग नहीं उसमें वो जो है उसमें सॉरी उसमें मैंने एक डांस का किया है और दबदबा फिल्म में मैंने लीड रोल किया एज ए हीरोइन किया। और कौन सा रोल था एज ए हीरोइन? हाँ लेकिन रोल कैरेक्टर क्या था उसमें? कैरेक्टर में से एक मॉडर्न लड़की और टेलीफिल्म नरक किया उसमें एक गाँव का भोली वाली छोटी सी लड़की उसका एक टेलीफिल्म किया नरक लिखा है नारक उसमें आलोकनाथ थे तो एक भोली वाली छोटी सी लड़की जिसके एक बुढ़ा के साथ शादी हो जाता है तो वो लड़की बेसिस पे। हाँ अच्छा ऐसा कोई कॉस्ट्यूम आपके पास होगा जो गांव की लड़की का? तो कॉस्ट्यूम है नहीं क्योंकि घाघरा चोली है इस टाइप का पुराना स्टाइल का नहीं गाँव का नहीं। ओके थैंक यू जो कुछ आपने पिछले फिल्म